सर्वशक्तिमते परमात्मा को नमन करते हुए भारत माता के चरणों में नमन करते हुए आज इस उत्सव में, उत्सव नहीं महोत्सव में, जिस उत्सव में नारी की भागीदारी हो जाती है वो उत्सव ना रहकर महोत्सव बन जाता है। और आज का ये उत्सव तो नारी तो नारायणी है, खास करके नारी पर ही है। तो इस महोत्सव के आयोजन में, इस सभा में उपस्थित आज की हमारी मुख्य अतिथि मैडम श्रीमती ज्योति बैंडा जी, चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा प्रोटेक्शन एंड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, आज के हमारे इस प्रोग्राम की अध्यक्षा मैडम डॉक्टर विमला ढांडा जी, डीन कॉलेज ऑफ होम साइंस एचआर यूनिवर्सिटी के साथ बहुत ही आदर और सम्मान के योग, जिनके बारे में मुझे अभी ही मैंने जाना और सुना और शख्सियत को पहचाना, बहुत ही सत्कार योग भाई राम स्वरूप आर्या जी और उनकी धर्म पत्नी मैडम संतोष आर्या जी, ऐसे पुरुषों ऐसे महापुरुषों की बदौलत दुनिया अलंकृत होती है। और इस सभा में उपस्थित और हमारे सारे गणमान्य व्यक्ति, प्रिंसिपल सुखराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल, यहाँ के सारे अध्यापक अध्यापिकाएं जिन्होंने बहुत ही लगन के साथ इस कार्य को किया है, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम को संपन्न करने में अपना दिन रात एक किया है, सारे अभिभावक और बच्चों के माता पिता जो इस सुंदर सभा को चार चांद लगाए हुए हैं, उन सबको और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जिनकी प्रतिभाओं को छांटते हुए जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है, और अन्य सभी जिनको शायद मैं नहीं कह पा रही हूँ, सबको मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। आप सबके बीच में आने का मुझे जो एक मौका मिला उसके लिए मैं सुखराम मेमोरियल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और उनके स्टाफ की बहुत आभारी हूँ। बहुत ही सुंदर लगा जब मैंने इस प्रोग्राम के टाइटल को जाना, नारी तू नारायणी है। जैसा कि माना जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, शिव ने उसका बैलेंस किया, संतुलन किया, शुरुआत ब्रह्मा ने की, अंत शिव ने किया, तो बीच का संचालन जो है विष्णु, जिसको दूसरे शब्दों में नारायण कहते हैं, जो इस जीवन को चलाता है नारायण, और उस नारायण की मालिक नारायणी, जो चलाने वाले को चलाती है उसे नारायणी कहते हैं, और नारी तू नारायणी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। तू अंदर से शक्तिशाली है, लेकिन ये जो अबला है, इस तरह के स्लोगन है, इन्होंने कुछ सोचने पे मजबूर किया है। मुझे इस जगह पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बच्चों से बात करते हुए एक बात मुख्य तौर पे कहना चाहूंगी कि आपके पेरेंट्स, आपके अध्यापक आपके ऊपर जो मेहनत कर रहे हैं, वो एक तरह से आप उनके कर्जाई हैं, आप उनके ऋणी हो जाते हैं, और उस ऋण को उतारना बड़ा जरूरी होता है। उस ऋण को उतारने का एक ही तरीका है कि आप नेक इंसान, अच्छे इंसान बनकर इस जीवन को जिए। ये जीवन जो प्रभु ने आपको एक गिफ्ट के रूप में दिया है, एक बहुत ही सुंदर गहने के रूप में दिया है, इस सर्वोच्च शक्ति के ऊपर, सॉरी धरती के ऊपर सबसे सर्वोत्तम कृति मनुष्य का जीवन है। ये जो आपको जीवन मिला है, इस जीवन का आप सदुपयोग करें, अच्छे इंसान बने, क्योंकि एक अच्छा इंसान अपने पुरुषार्थ के साथ इतिहास बदल सकता है। कहते हैं कि जो पानी से भीगते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से भीगते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन
गया है। हम बड़े असुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि माहौल किसने बनाना है? माहौल तो हमने ही बनाना है, हम ही माहौल को बनाने वाले हैं। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे जीवन को जिए, अच्छे तरीके से जीवन को जिएंगे, तो माहौल अच्छा हो जाएगा। तो मैं यही आप सबसे कहूंगी कि आप एक निर्णय लें कि अपने माता पिता के द्वारा की गई मेहनत और अध्यापकों के द्वारा की गई मेहनत जो आप पे ऋण है, उस ऋण को उतारने का एक ही तरीका है कि अच्छी इंसानियत के साथ इस जीवन का सदुपयोग करें, और सदुपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए करें, अपने समाज के लिए करें। जिस मुल्क के लोगों को, मुझे ध्यान में आ रही है लाइन तो मैं बोले बिना रह नहीं पा रही हूँ, जिस मुल्क के लोगों को देश से प्यार नहीं रहता, या जिस मुल्क के लोगों को देश के मिटने का एहसास नहीं रहता, उस देश का कभी कोई इतिहास नहीं रहता। अगर आप अपने देश को ग्लोब के शिखर के देशों के बीच में लाना चाहते हो, तो मेहनत तो आपको ही करनी होगी। आपको वो जो एक धारणाएं बन चुकी हैं कि ये खराब है, वो उन धारणाओं को तोड़ना होगा और अच्छे इंसान बनकर एक संकल्प करना होगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका जब मैं कंपैरिजन करती हूँ अपने देश के स्कूल के बच्चों के साथ, तो मैं इसको ये तो नहीं कहूंगी कि दुख होता है, लेकिन सोचने का विषय जरूर है। मेरा एक बार किसी कंट्री में जाने का मुझे मौका मिला, जिस परिवार में मैं रुकी तो उनका एक छोटा सा बच्चा था। मैंने उसे ऐसे ही पूछ लिया, और बेटा क्या बनोगे? एक कॉमन सा क्वेश्चन है, हम आमतौर पर बच्चों से पूछ लेते हैं कि बच्चे बड़े होंगे क्या करोगे। तो उस बच्चे का जो जवाब था, उसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। उसने कहा, I will serve my country. मैं अपने देश की सेवा करूंगा। अब मैं क्या बनूंगा, ये जवाब नहीं था। हम यहाँ पर, क्योंकि मैं हायर एजुकेशन में रही हूँ, 31 साल का मेरा टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, मैं हायर एजुकेशन के बच्चों के साथ मेरा सीधा वास्ता रहा है। मैंने बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकले हुए बच्चों से जब पूछा कि भाई क्या करने वाले हो, तो आगे से जवाब देते हैं, जी अभी तो पढ़े हैं, अभी तो कुछ सोचा नहीं है जी क्या करना है। अर्थात कहीं ना कहीं दिशा विहीन जनरेशन हमारी हो गई है। जब तक हम दिशा नहीं देंगे, हम टीचर, हम चाहे स्कूल के टीचर्स, चाहे कॉलेज के महाविद्यालय के टीचर्स, चाहे विश्वविद्यालय के टीचर्स, हम लोग बड़े खुशकिस्मत है। वी आर चोजन सोल्स बाय गॉड, चुनी हुई आत्माएं हैं। हर एक को मौका नहीं मिलता किसी को दिशा दिखाने का, यहाँ तक कि खुद को खुद की दिशा का पता नहीं चलता है, तो औरों को दिशा दिखाना तो एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है। परमात्मा जिन शख्सियतों को चुनता है, उनको प्रीचर या टीचर बना नहीं रखेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ से चलना है या आपको चंडीगढ़ से चलना है, और आपने दिल्ली जाना है, आपका गोल लक्ष्य दिल्ली है, लेकिन गलती से आप अमृतसर की बस में बैठ जाओ या गलती से उधर की दिशा का चुनाव कर लो, आप सफर भी कर रहे हो, आप जा भी रहे हो, आप थक भी रहे हो, और आप ऐसा भी नहीं है कि निठल्ले हो, आप काम भी कर रहे हो, लेकिन आपका एक एक कदम आपकी मुख्य लक्ष्य से आपको दूर कर रहा है। और ये कहाँ गलती हुई? दिशा के चुनाव में गलती हुई। और अगर आपने सही दिशा में कदम रख दिया, चाहे एक रखा चाहे दो रखे, चाहे धीरे धीरे चलते चलते रुकते रुकते भी आप क्यों नहीं चले, आपका हर कदम सही दिशा में रखा हुआ हर कदम आपको आपकी मंजिल के नजदीक करता है। इसलिए दिशा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और ये दिशा का चुनाव हमें कौन देते हैं? हमारे पेरेंट्स, पहले गुरु, और हमारे अध्यापक, हमारे दूसरे माता पिता। और बहुत खुशकिस्मत खुश नसीब हैं हम लोग जो इस विधा से जुड़े हैं, और जो हम इन कहते हैं बच्चों में आग होती है, इनके अभी मैं देख रही थी यहाँ पर, तो मेरा मैडम कहते हैं इस जोश को आग भी कहते हैं। कहते हैं कि आग जो है, अगर यूं ही बिखेर दी जाए बिना किसी तरीके से, सलीके से, बिना किसी
किसी दिशा की अगर वो यूं बिखेर दी जाए तो क्या होता है, बर्बादी का कारण हो जाती है। लेकिन वही आग अगर सलीके से एक छोटे से दीपक में बाती तेल लगाकर जला दी जाए तो क्या होती है, प्रकाश का स्रोत हो जाती है। जो ऐसा स्रोत जब सूरज ना हो, पूरा ब्रह्मांड अगर अंधेरे से छिप जाए, पूरा अंधकार पूरे ब्रह्मांड को अगर अपने घेरे में ले ले, ऐसी स्थिति में भी छोटा सा दीपक जलाकर आप रोशनी करके अपनी जरूरत का काम कर सकते हैं। दीपक भी कम नहीं होता है उस समय जब सूरज छिप जाता है। तो ये एक आग को प्रज्वलित करने का तरीका है, उसको यूज करने का तरीका है। उसी तरह से तीन ईंटों में आप जला के पका लो तो वो भोजन स्रोत हो जाता है। तो भाव कहने का ये है कि ये मौका जिनको मिला है कि इस अग्नि को चैनलाइज कैसे करना है, उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप इन बच्चों को इस तरह से दिशा निर्देश दें कि ये ऐसा ना कहें कि अभी तो सोचा नहीं है। ये जब भी इनसे कोई पूछे तो यही कहें कि हम बड़े होकर अपने देश की सेवा करेंगे। वी विल सर्व अवर कंट्री आपका स्लोगन होना चाहिए। आप कुछ भी बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, ऑफिसर बन जाएं, पॉलिटिशियन बन जाएं, लेकिन आप तब तक वो चीज अच्छी नहीं हो सकते जब तक आप एक अच्छा इंसान नहीं होते। आप अच्छे इंसान होने के गुणों को अपने अंदर संजोते हुए देश के अच्छे नागरिक बनिए और देश को दुनिया के शिखर तक इसके नाम को पहुंचाने में सहयोग करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको एक दुआ देती हूँ। इन बच्चों को परमात्मा आप सबको रिद्धि दे। रिद्धि करना होता है रिसर्च करना, आप खोजे करें, आपको सिद्ध दे, सिद्धि दे, यानी आप उनको प्रूव करें कि आपने जो खोजा है वो बिल्कुल सही है। परमात्मा आपको रिद्धि दे, आपको सिद्धि दे, आप सबको प्रसिद्धि दे, और कमी न रहे धन की, परमात्मा आपको समृद्धि दे, आपको ज्ञान दे, आपको मान दे, आपको सम्मान दे, आपको ध्यान दे, वो भी बड़ा जरूरी है जीवन में, आपको ध्यान दे, और अभेद तरीके से आप अपने जीवन को सुंदर ढंग से जी सके बिना किसी कॉम्प्लेक्स के, आपको ऐसा अभेद वरदान भी दे परमात्मा। इन्हीं दुआओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ स्कूल के, इस प्रोग्राम के स्कूल के प्रिंसिपल साहब का, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स का, जिन्होंने आप सबके बीच में आकर आप सबको नमन करने का मुझे मौका दिया। धन्यवाद।